नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेटस प्राइवेसी के बारे में। व्हाट्सएप स्टेटस प्राइवेसी, देखिए फ्रेंड्स, आपको यह तीन ऑप्शन मिलते हैं, वो आखिर क्या है, किसके लिए है। थ्री ऑप्शन में आपको इस वीडियो में आपको आखिर तक पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिए। और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके व्हाट्सएप में जाना है। दोस्तों आपको व्हाट्सएप एक बार अपडेट करना है प्ले स्टोर में जाके। तो आपको व्हाट्सएप में जाने के बाद स्टेटस जो ऑप्शन मिल रहा है उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद देखिए आपको यह थ्री डॉट दिख रहे हैं फ्रेंड्स ऊपर, मोर ऑप्शन वाला, उसे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ स्टेटस प्राइवेसी दिख रहा है फ्रेंड्स आपको। यहाँ स्टेटस प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आपको मैं तीन ही ऑप्शन समझा के बताने वाला हूँ। तो आपको सभी, आपने कभी इसे यूज़ नहीं किया तो आपको पहले से ही मौजूद होगा माई कॉन्टैक्ट, यानी माई कॉन्टैक्ट यानी फ्रेंड्स, आपके जितने आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव है उन सारे बंदों को आपका स्टेटस दिखेगा और उनके स्टेटस आपको देखेंगे फ्रेंड्स। और सारे आपको कोई यहाँ सिर्फ क्लिक करने के बाद आपको सारे ऑटोमेटिकली सारे बंदों को स्टेटस आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिखेगा। और माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्टेड, माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्टेड यानी फ्रेंड्स, यह आपको इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन मिलेगा। ऐसा ऑप्शन मिलने के बाद जो आपके व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड्स, आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। और जिस नंबर पर आप किसी नंबर पर, ये देखिए आप किसी नंबर पर ऐसा क्लिक करते हैं, ऐसा क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको क्या होता है कि आप जिस नंबर पर क्लिक ऐसा रेड क्लिक करेंगे उस बंदे को, उस आगे वाले बंदे को आपका स्टेटस नहीं दिखेगा, यानी व्हाट्सएप स्टेटस फ्रॉम हाइट। देखिए फ्रेंड्स, आपने जितने इस बंदों को, जिन जिन बंदों को यह सेलेक्ट किया है उन बंदों को ही सिर्फ स्टेटस नहीं दिखेगा और बाकी के बंदों को दिखेगा। तो दोस्तों आपको यह, जिन बंदों को आपको स्टेटस नहीं दिखाना है तो उन्हें सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा और आपका जो डन हो, आपको ये क्वेश्चन सेलेक्ट करना है तो यहाँ डन कीजिए। और ओनली शेयर विद मी, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ओनली शेयर विद मी यानी फ्रेंड्स, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आपको किसी फ्रेंड को, एक ही फ्रेंड को या 10 फ्रेंड को, या किसी आपको लिमिटेड यानी जितने चाहे फ्रेंड को आप यहाँ स्टेटस शेयर कर सकते हैं। यानी जिस कॉन्टेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है, देखिए फ्रेंड्स आपने जिन बंदों को यहाँ सेलेक्ट किया है सिर्फ उन्हीं बंदों को स्टेटस दिखेगा और बाकी के बंदों को नहीं दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स आपको यह ऐसे सेलेक्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको ऐसा राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ ग्रीन सिग्नल आ रहा है, वहाँ रेड आया था क्योंकि वो जिन बंदों को वहाँ सेलेक्ट किया था उन्हें नहीं दिखा था स्टेटस, और यहाँ जिन बंदों को सेलेक्ट करेंगे उन्हें ही सिर्फ स्टेटस दिखेगा। तो जिसको स्टेटस दिखाना है उसे सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ राइट क्लिक करना है। देखिए आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद देखिए ओनली शेयर विथ मी यानी आप स्टेटस अपलोड करते हैं सिर्फ उन्हीं, जो आपने बंदों को सेलेक्ट किया है उन्हीं बंदों को ही स्टेटस मिलेगा। आपने एक ही बंदों को सेलेक्ट किया है, यानी किसी का बर्थडे का स्टेटस डालना है, आपके फ्रेंड आपको चाहते हैं कि उसका स्टेटस नहीं देखना है, तो सिर्फ आप एक फ्रेंड के साथ, आपके गर्लफ्रेंड के साथ, सिर्फ उसके साथ ही अपना फोटो शेयर कर सकते हैं या कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको किसी को घुमाना है तो या चौंकाना है तो भी आप उसके स्टेटस ऐसे ही डाल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ चौंका सकते। देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको इस जो सेटिंग की है उस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डन करना है। डन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली आपका यह सब हो जाएगा और यहाँ से आप स्टेटस अपलोड कर से ऐसे कर सकते हैं। आपको पता ही होगा स्टेटस अपलोड कैसे करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स।